लेहट विधानसभा क्षेत्र के उपमंडल मुख्यालय बंगाना में वीरवार को कांग्रेस द्वारा चुनावी सभा का आयोजन किया गया। इस मौके पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की, जबकि हमीरपुर लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस के प्रत्याशी सतपाल रायजादा और कुटलेहट विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस के प्रत्याशी विवेक शर्मा ने भी मुख्य रूप से भाग लिया। इस मौके पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने सुखविंदर सिंह सुक्खू का पुष्प वर्षा के बीच जोरदार स्वागत किया। जनसभा के दौरान हमीरपुर लोकसभा क्षेत्र के प्रत्याशी सतपाल रायजादा ने अनुराग ठाकुर पर एक के बाद एक निशाने साध कर कई सवाल दागे। दूसरी तरफ कुटलेहट के कांग्रेस प्रत्याशी विवेक शर्मा ने जनसभा को संबोधित करते हुए ऐलान किया है कि उनका लक्ष्य हर घर से एक व्यक्ति को नौकरी दिलाना है। विधानसभा क्षेत्र की जनता यदि उन्हें सेवा का मौका देगी तो वह अपना हर वादा पूरा करेंगे। उधर मुख्यमंत्री ने उपचुनाव में भाजपा के प्रत्याशी देवेंद्र भुट्टो पर भ्रष्टाचार के आरोपों की झड़ी लगा दी, जबकि पिछले साल बरसात में हिमाचल प्रदेश में आई आपदा को लेकर उन्होंने केंद्रीय मंत्री व स्थानीय सांसद अनुराग ठाकुर को भी जमकर लपेटा। आपके क्षेत्र का विधायक, मैं इसे बार बार कहता रहा, इस बीके हुए विधायक ने मेरा एक भी कार्यक्रम बंगाना विधानसभा क्षेत्र में नहीं करवाया। मैंने कहा पड़ोसी हूं, जो मांगोगे वो दूंगा। मेरे पड़ोसी होने के नाते दुख सुख में आप ही मेरे साथ आएंगे, बंगाना के लोग ही मेरे साथ आएंगे, पर मुझे क्या पता था कि ये तो भारतीय जनता पार्टी से सौदेबाजी कर रहा है। उन्ना गया, अंब गया, सभी क्षेत्रों में गया। मेरे पास जब भी आता था एक ही बात करता था कि ये पीएम जिस पाए का टेंडर है, इतने पैसे हमारे को दे दीजिए और इस पीएम जिस पाए के टेंडर को मैं अपने साथियों को देना चाहता हूं। मैंने उसे कई बार समझाने की कोशिश की, आप बाप विधायक बन चुके हैं, जनता के सेवक है, ये आप जो पिछली बातें सब भूल जाइए, छोड़ दीजिए, लालच मत कीजिए। ये पैसा कहीं जब जीवन के अंतिम सांस में बैठे होंगे साथ नहीं जाएगा, लेकिन लालच इतना अधिक कि पैसे के बदले अपनी विधायकी बेच दी। पैसे की भूख इतनी ज्यादा, अपने एफिडेविट में जो के 14 महीने पहले चुनाव हुआ। कुटलेहट यूपी चुनाव में कांग्रेस के प्रत्याशी विवेक शर्मा ने कहा कि वे जनता के बीच सेवा का मौका मांगने आए हैं और यदि जनता उन्हें सेवा का मौका देगी तो वह जनता के दुख सुख में उनके साथ खड़े रहेंगे। चार चार दफा तुसी अनुराग ठाकुर को इतने तक चिताका भेजा, एक दफा नहीं, दो दफा नहीं, तीन दफा नहीं, चार चार दफा। और संसद विच कभी भी हिमाचल प्रदेश का हमीरपुर संसदीय क्षेत्र की कभी आवाज नहीं चक्की, कभी भी आवाज नहीं चक्की। कोई एक भी वीडियो दस दिन जरा हमीरपुर संसदीय क्षेत्र के बारे में बोल रहा होगा, कभी भाखड़ा वाम विस्थापित लोगों के बारे च बोलिया होगा, कभी भाखड़ा वाम के पानी के बारे च बोलिया होगा कि यह पानी चक के असी अपने लोगों को पानी दे सकी, पीने वास्ते भी और पानी सिंचाई वास्ते भी, लेकिन इन्होंने कभी इदा की आवाज नहीं चक्की। इहदे नाल नाल आपदा आई, आपदा दे विच कोई मदद नहीं की इन्होंने, राष्ट्रीय आपदा में क्या घोषित करवानी, मदद ही कोई नहीं की। फिर उदे नाल नाल जिस वेले एक पासे दूजे पासे साडे मुख्यमंत्री, जिस वेले प्रदेश दे छोटे छोटे बच्चे अपनी गुलका लैके मुख्यमंत्री कोल पुजे, तां मुख्यमंत्री जी दे मन च आया कि अगर एक पासा प्रदेश दे बच्चे जिहड़े आ ਉਹ ਗੁਲਕਾਰ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਦੋ ਦੋ ਰੁਪਏ ਕਰਕੇ ਜਮਾ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਵੀ ਦਿਆ ਦੇ। ਲਾਈਫ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ ਕੇ ਲਈ ਉਨਾ ਸੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਕੀ ਰਿਪੋਰਟ।
त्योहार के इस सुहाने सीजन में गोयल मोटर्स नेटवर्क की सोलन और शिमला स्थित नेक्सा शोरूम में पाए इंडिया की सबसे पसंदीदा गाड़ियों पर खास ऑफर। इग्निस, बिलेनो, फ्रॉन्स, जिम्नी और ग्रैंड विटारा जैसी शानदार गाड़ियों को खरीदने का साल का सबसे बेहतर वक्त। नेक्सा का खास ब्लैक एडिशन उपलब्ध है, सभी तरह की गाड़ियों से एक्सचेंज और अपग्रेड ऑफर भी। तो देर किस बात की, आज ही सोलन या शिमला में गोयल मोटर्स के नेक्सा शोरूम में पधारे और पाए कार खरीदारी का एक कभी ना भूलने वाला सुखद अनुभव।